चपेट में ले रहा था, लेकिन अब कोरोना का खतरा बच्चों पर मंडराने लगा है। कोरोना की पहली लहर बच्चों पर घातक असर नहीं कर पाई थी, लेकिन दूसरी लहर में यह धारणा टूट गई है। कहते हैं माता पिता लाख दुख सह सकते हैं, लेकिन बच्चों का दुख उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडराने लगा है तो सबकी नींदें उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के सांसों पर प्रहार कर रही है। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों पर घातक असर नहीं किया था, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण के लक्षण कम है। इस बीच लोगों के मन में तीसरी लहर आने का भी डर है, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती होगी बच्चों को सुरक्षित रखना। बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है, ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। सीरो सर्वे दिखाता है जो दिसंबर जनवरी में हुआ है कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज्यादा उम्र के बच्चे। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 इज रफली द सेम एज लेट्स से बिटवीन 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। सीरो सर्वे के मुताबिक अगस्त से जनवरी के बीच बच्चों में एंटीबॉडी करीब 30 से 40% पाए गए हैं। सीरो सर्वे का आंकड़ों पर नजर डालें तो पहला सीरो सर्वे अगस्त 2020 28% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसमें 16% बच्चे शामिल हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं। दूसरा सीरो सर्वे सितंबर 2020 24% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इसमें 17% बच्चे सामने आए। अक्टूबर 2020 24% लोगों में एंटीबॉडी मिली। इसमें 16% बच्चे शामिल है। जनवरी 2021 50% लोगों में एंटीबॉडी मिली। 52% इसमें बच्चे थे जिनमें एंटीबॉडी पाई गई। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में आसानी से संक्रमण फैल सकता है, लेकिन बच्चों में संक्रमण बेहद माइल्ड होगा, लेकिन फिर भी बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना बेहद जरूरी है। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने, और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेले, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है, खासकर जो बच्चे मोबाइल हैं 10-11 साल से ऊपर हैं, जो बहुत व्यक्तियों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वायरस के स्वभाव बदलने को लेकर सरकार भी चिंतित है। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर राज्य के डीएम से बातचीत की और उनसे गांव और शहर के संक्रमित आंकड़ों को समीक्षा करने की अपील कर रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बार बार अपने अफसरों को हिदायत दे रहे हैं और उसी के मुताबिक रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। कोरोना से बच्चों को बचाने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि माता पिता को कैसे पता चले कि उनका बच्चा कोरोना का शिकार है, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण
काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट की माने तो अगर बच्चों को डायरिया, पेट में दर्द हो तो तुरंत सावधान हो जाए। इसके अलावा उल्टी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का बहना भी कोरोना के लक्षण है। लेकिन जब बच्चा जल्दी थकने लगे, भूख कम हो जाए तो इसे नजरअंदाज ना करें। राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित बच्चे ठीक भी हो रहे हैं, यानी कोरोना से खतरा तो है लेकिन बच्चों में वायरस की मारक क्षमता कम है। फिर भी कोरोना से सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।